मैं हूं आशुकिन कुरेशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब जनपद बांदा की। उद्योग व्यापार मंडल बांदा के बैनर तले संतोष गुप्ता अनशनकारी की अगुवाई में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा गया। लिखित पत्र में मांग की है कि चुनाव के दौरान व्यापारियों को बैंक में रुपया जमा करने जाते समय वे बैंक से निकासी करके आते समय प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए। वहीं चुनाव के लिए गल्ला मंडी का अधिग्रहण न करके किसी सरकारी भवन का प्रयोग किए जाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि बांदा उद्योग व्यापार मंडल के करीब एक दर्जन नेताओं ने अध्यक्ष व्यापार मंडल संतोष गुप्ता अनशनकारी की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने लिखित ज्ञापन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि चुनाव के दौरान व्यापारियों को बैंक में रुपए जमा व निकासी के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया जाना चाहिए। वहीं मतगणना हेतु गल्ला मंडी का उपयोग न करके किसी सरकारी भवन का उपयोग करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में जिला प्रशासन गल्ला मंडी समिति जगह को अधिग्रहण कर मतगणना व मतदान संबंधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, जिसको लेकर व्यापारियों ने आपत्ति जाहिर की है। बांदा से रागिनी गुप्ता की रिपोर्ट। आज आप लोगों का आज हमारा ज्ञापन, मैं संतोष अनशनकारी बांदा उद्योग व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे माननीय जिलाधिकारी महोदय को, द्वारा पहुंचना है, चुनाव आयोग को पहुंचना है, क्योंकि हमारी जो मंडी में जो गल्ला मंडी में जो दुकानें अधिग्रहित की जा रही निर्वाचन से के संबंध में वो ना खाली कराई जाए, क्योंकि हमारा इस समय सीजन चल रहा है और उनको अन्य जगह पर करा लिया जाए चुनाव की व्यवस्था, हमारी दुकानें ना अधिग्रहित की जाए। क्या कहा सिटी मजिस्ट्रेट साहब? उन्होंने कहा कि आप मैं अभी चलते हैं वहाँ, देखते हैं अगर कोई व्यवस्था अपने जगह पर हो सकती है तो उसकी हम व्यवस्था करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन मिला। अन्यथा की स्थिति में? अन्यथा की स्थिति में हम लोग फिर कहीं ना कहीं अपना एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग तो व्यापारी हैं, लड़ भिड़ तो सकते नहीं, निवेदन कर सकते हैं, यही हमारा।